अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये टॉपिक, इसकी कोई मैं आपसे थ्योरी या कोई बैकग्राउंड डिस्कस नहीं कर रहा। एक अलमिया जो मैंने फील किया वो ये है कि स्टूडेंट को या जितने भी मेरे ये फेलोज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन कैसे करें। हमें काफ़ी सारी बुक्स में टेबल मिल जाते हैं कि एट यहाँ पे आना है, ऑन यहाँ पे आना है, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं होती जिससे हम उस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसी प्रॉब्लम को मद्दनज़र रखते हुए आज से हम ये प्रपोजिशन का एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक वर्ड का प्रॉपर उसकी प्रॉपर प्रपोजिशन के साथ जो है वो एग्जांपल के ज़रिए यूज़ करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके जो प्रपोजिशन के हवाले से जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्लियरली सॉल्व करेगी। स्टूडेंट, सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे जो मैं इन करने लगा हूँ कि अब ये एक एक एग्जांपल से हम काफ़ी ज़्यादा बातें जो है यहाँ पे सीखेंगे। तो पहली एग्जांपल ये है कि माय फ्रेंड, माय फ्रेंड अराइव्ड। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम यूज़ नहीं करते तो यूज़ करते नहीं हैं और वैसे हम पढ़ लेते हैं तो पढ़ने से ये चीज़ है नहीं आती, ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। मॉर्निंग, अच्छा वेनसडे मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस आपके सामने है। अब हमने करना क्या है कि हमने इस सेंटेंस में प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रपोजिशन करना है। मैं प्रपोजिशन आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ इन है, बी में एट है, सी में ऑन है और डी में, डी ऑप्शन जो आपके पास है वो है फ्रॉम। अब कुछ स्टूडेंट तो अंदाज़ा लगा के बैठे होंगे, कुछ व्यूवर्स, कि यहाँ पे ये प्रपोजिशन आएगी, यहाँ पे ये प्रपोजिशन आएगी, लेकिन हमने जो है इस रूल को समझना है। स्टूडेंट, कुछ बातें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखें, आप इस पहली एग्जांपल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट मेथड जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कहीं पे डेफिनेट डे आ जाए, डेफिनेट डे आ जाए, कहीं पे आपके पास डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है ये भी अभी देखते हैं। डेफिनेट डेट आ जाए या आपके पास कहीं पे डेफिनेट टाइम दिया हो, अब ये चीज़ है कि आप इन रूल्स को देखेंगे और साथ ही इनकी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। डेफिनेट टाइम के बाद आप कर लें जी डेफिनेट लोकेशन, किसी प्रॉपर जगह का नाम आ जाए आपके पास, या आपके पास डेफिनेट वीक आ जाए, डेफिनेट वीक आ जाए यहाँ पे, डेफिनेट मंथ आ जाए, डेफिनेट ईयर आ जाए। अब देखिए, हमने इस एक एग्जांपल से कितने सारे वर्ड्स की जो केमिस्ट्री है उसको हम समझेंगे यहाँ से। स्टूडेंट, एक बात याद रखें,
जब भी आपके पास डेफिनेट डे दिया हो तो वहाँ पे आपने हमेशा उससे पहले ऑन का यूज़ करना है, जब भी डेफिनेट डे हो। आंसर आप खुद देंगे। देखिए, जब भी डेफिनेट डेट दी हो तो उससे पहले भी आपने ऑन का ही यूज़ है करना है। अगर आपको डेफिनेट टाइम दे दे तो आपने यहाँ पे एट का यूज़ करना है। अगर आपको डेफिनेट लोकेशन दे दे तो फिर भी आपने यहाँ पे एट का यूज़ करना है। डेफिनेट वीक, डेफिनेट मंथ और डेफिनेट ईयर, इन तीनों के लिए आपने इनका यूज़ करना है। स्टूडेंट, ये कुछ प्रेपोजिशन है। अब डेफिनेट का मतलब क्या है? एक खास मतलब ये है कि आपको प्रॉपर उस दिन का नाम बता दे। जैसे अब यहाँ पे वेनसडे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डेट दे देता कि यहाँ पे जी 4 अप्रैल है, आपको टाइम दे दे, और डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम वहाँ पे आपको गिवन हो। तो यहाँ से आप जो है इन 6-7 जो मैंने आपसे रूल शेयर किए हैं, इनकी मदद से आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये वेनसडे था तो आप खुद देख लें यहाँ पे हमारे पास कौन सी जो है यहाँ प्रपोजिशन है यूज़ होगी। तो इसका ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन। तो ये था हमारी हमारी पहली एग्जाम्पल, कि हमने पहली एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा लगाएं हमने इससे कितनी बातें सीखी। जल्दी नहीं करनी, आपने आराम से इसको गौर से इन बातों को समझना है और फिर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरा दावा है कि प्रेपोजिशन का जो फोबिया है वो आपके माइंड से निकल जाएगा। देखें, अब इसमें दूसरी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि शी डाइट, शी डाइट स्पेस, यहाँ पे ये है हार्ट अटैक। वो मर गई, किस लिए मरी? उसे हार्ट अटैक हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन इसके होंगे बाय हार्ट अटैक, या आप यहाँ पे ऑफ हार्ट अटैक, सी ऑप्शन इसका है फ्रॉम हार्ट अटैक, और लास्ट इसका डी ऑप्शन है विद हार्ट अटैक। अब देखें, आपके सामने है कि वो मरी, डाइट, वो मर गई किसकी वजह से? हार्ट अटैक की वजह से। अब देखें, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक ये डेथ है, एक आगे हार्ट अटैक है। अब इस बात को समझें, क्या मतलब है कि डेथ होना किसी भी आदमी की किसी भी ये देखें डेथ। अब डेथ के दो तरीके हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इस तरह के आपको काफ़ी सेंटेंस मिलते हैं। एक डेंस डेथ हो सकती है एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट से, और एक हो सकती है किसी बीमारी से। यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब भी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होगी तो वहाँ पे आप जो प्रेपोजिशन है वो आप इन यूज़ करेंगे, और जब भी ये डेथ किसी डिजीज़ की वजह से होगी वहाँ पे आप प्रेपोजिशन है ऑफ यूज़ करेंगे। तो देख लें स्टूडेंट, जब भी कभी डेथ का वर्ड आपको मिले तो आप गौर करेंगे कि आगे आपको गिवन है क्या है। तो इसकी मदद से अब ये ऑफ है तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑफ जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये डेली बेसिस पे हम 6-7 एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली सॉल्व किया करेंगे। तो हम तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी एग्जाम्पल है कि ले लेते हैं यहाँ पे कट कट द एप्पल, कट द एप्पल, यहाँ स्पेस खाली जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं नाइफ। अब देखें, अब ये
ए पार्ट इसका है जी, मैं आपको विद है, बी आप यहाँ पे कोई फ्रॉम रखते हैं, सी में आप इसका यहाँ पे बाय रख दें, और डी में ये है जी ऑफ। लेट्स सपोज अब देखें अब इसका रोल क्या है। अब दो बातें यहाँ पे भी हैं, हमने कट किया है किससे, नाइफ से, तो ये बात आपने देखनी है कि यहाँ पे अब इसका रोल क्या है। जैसे आपने ये पिछले रोल देखे, इसका भी एक रोल है, और वो रोल क्या है कि जब भी आप कहीं पे कोई टूल यूज़ करते हैं, कोई टूल यूज़ करते हैं किस कोई काम करने के लिए, आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या आप कोई अल्लाह ना करे कि वेपन यूज़ करते हैं, तो इन तीन वर्ड्स, ये तीन वर्ड्स आपने गौर से देख लेने हैं। अगर इन तीनों वर्ड्स मतलब जैसे ये, तो ये एक टूल है, आप इसको इंस्ट्रूमेंट तो ना कहें, टूल कह सकते हैं, तो वेपन भी बन जाता है। तो ये आपके पास है, इसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, और ये विद इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एफ फॉर फिक्स, पी फॉर प्रेपोजिशन, तो ये विद इसका फिक्स है प्रेपोजिशन होगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब भी आपको कहीं पे ऐसे वर्ड नज़र आए तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक में क्या लिखा होता था कि डेथ के बाद आपने ये यूज़ करना है, जब तक आप उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ आने वाली नहीं है। दो तीन एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं, आज फर्स्ट डे है, आप बोर ना हो जाएं, दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, और 4 एग्जाम्पल में काफ़ी सारी बातें मैंने आपको समझानी है। तो द बुक स्पेस द टेबल टेबल इज ए माइन। अब कोई बुक है जो टेबल पे पड़ी है, और वो क्या है, मेरी है। इसके एग्जाम्पल ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, और फिर हम इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। इस एक एग्जाम्पल से आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। सी जो है हमारे पास, ये ऑप्शन यहाँ आप ऑफ कर दें, और डी में आप यहाँ लिख दें फ्रॉम। अच्छा जी, अब ये इसके लिए क्या है, ये जो इन, ऑन, अंडर, बिलो, अबव, ओवर का चक्कर है, ये आज ख़त्म करते हैं। इसकी आज कहानी ख़त्म करते हैं कि ये आपको हमेशा जो है यही आगे पीछे करते रहते हैं कि अब ऑन लगाऊं या अबव लगाऊं या ओवर लगाऊं, अंडर बिलो, ये सारी बातें आज इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखें, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास कोई टेबल है, ये आपके पास कोई टेबल है, और इस टेबल, अब ये आप कहेंगे जी ये तो चार टांगे नहीं है इसकी, हैं तो ये चार बना लेना, तो ये कोई टेबल है ये। अब ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर बुक पड़ी है। अब एक बात याद रखें, अब अगर यहाँ बुक इसके ऊपर पड़ी हो तो इसके लिए फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं ऑन, यहाँ अबव या ओवर हम यूज़ है नहीं करते, फ़र्क क्या है वो भी देखते हैं। अच्छा, अब ये बुक, अब यही इसके नीचे, इस टेबल के नीचे लेट सपोज चूहा बैठा है, तो उस चूहे के लिए हम यूज़ करेंगे हमेशा अंडर का वर्ड यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के नीचे होना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर का वर्ड हमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमने यहाँ ऑन और अंडर देख लिया, लेट सपोज यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे फैन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऊपर छत पे पंखा लगा हुआ है, और नीचे आप हैं। अब पंखा लगा हुआ तो है, लेकिन ये फैन तो फिक्स्ड है, ये फैन मूव है नहीं कर रहा, ये फैन फिक्स्ड है, आप इसके नीचे बैठे हैं। अगर ऐसी बात होगी, फिक्स्ड
फिक्स्ड भी हो, और दूसरी बात जो यहाँ से डिफरेंशिएट करेगी कि ये नॉट टचिंग हो, ये आपका जो हेड है उसको टच ना कर रहा हो, ये बात है लाजमी है कि एक तो क्या हो ये ऊपर फिक्स्ड हो, लटकाया हुआ है और ये टच भी नहीं कर रहा, तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अबव यूज़ करते हैं। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, अबव। अच्छा, इस केस में अगर अबव यूज़ करते हैं वो फिर ओवर कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखें लेट सपोज अगेन यहाँ पे आप बैठे हैं और आपके ऊपर से यहाँ जो है वो कोई जहाज़ जा रहा है, यहाँ से जहाज़ गुजर रहा है, तो अब ये देखें टच तो ये भी नहीं कर रहा, अब ये बात यहाँ पे आ गई कि टच ये भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर टच नहीं कर रहा तो फिर अबव और ओवर में फ़र्क क्या है, देखें ये था फिक्स्ड, ये क्या था, ये फिक्स था और ये जो प्लान है ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है। जब आपके ऊपर से कोई चीज़ गुजरती है जो आपको टच है ना कर रही हो और वो मूव करती हुई जाए, तो उसके लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो ओवर यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हम ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, अबव कहाँ यूज़ करते हैं। मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऑन यूज़ कहाँ करते हैं, अंडर जब किसी चीज़ के नीचे, जैसे टेबल के नीचे, यहाँ पे अबव जब कोई चीज़ ऊपर हो और फिक्स्ड हो, टच ना कर रही हो, ओवर जब कोई चीज़ ऊपर हो और वो मूव करती हुई जा रही हो, वो मोशन में हो, ये विदाउट मोशन और ये मोशन में। अच्छा, एक यहाँ पे पॉइंट रह गया कि बिलो का भी यूज़ करते हैं। अच्छा, बिलो के लिए एक शर्त है, बिलो का वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब किसी कोई आपको लेवल दे दे, जैसे कहते हैं ना आप मेरे लेवल से नीचे हैं, ये लेवल दे दे, या कोई ख़ास पोजीशन हो उस पोजीशन का आपको बता दे, और या फिर कोई रैंक हो, पोजीशन हो, लेवल हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बिलो का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब वैसे जैसे टेबल के नीचे है तो ये यहाँ पे आप अंडर कवर्ड यूज़ करेंगे, ये कवर है, ये सेंस में आता है कि ये उस रैंक से नीचे, अब रैंक के नीचे बंदा छुप के थोड़ी बैठता है, इसका मतलब ये है जैसे पोजीशन है, ठीक है, तो पोजीशन से या लेवल को नीचे, तो उसके नीचे छुप के नहीं बैठना, ये सेंस में आता है, ठीक है। जब आपको कहता है कि ये उसका रैंक, मतलब आपका रैंक किसी से ज़्यादा है तो आप अबव कवर्ड यूज़ होगा, और अगर किसी का आपसे कम है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बिलो का वर्ड यूज़ करेंगे। तो फैसला अब ये है कि यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, ऑन आएगा। लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इससे वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं, वीडियो लेंथ ही हो गई, शुरू में कुछ बातें आपको बतानी थी, तो ये है जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। लेकिन ये बात आप अंदाज़ा कर लें कि हमने इन 5 एग्जाम्पल्स में से कितनी बातें सीखी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, इसका अंदाज़ा आपने करना है। अब यहाँ हर एक की भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेट सपोज मैं यही कहता हूँ कि जी एक चूहा है जो टेबल के नीचे है, द रैट जो है वो हिड है कहाँ पे, अंडर दी टेबल, ठीक है। इस तरह अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि द एरोप्लेन फ्लो ओवर द बिल्डिंग, लेट सपोज यहाँ कोई बिल्डिंग है, तो अगर प्लेन ऊपर से जा रहा है तो फिर क्या होगा, ओवर द बिल्डिंग। लेट सपोज मैं इसके लिए कह देता हूँ कि देर इज अ फैन अबव दी हेड, अबव दी हेड, तो यहाँ पे अब क्या यूज़ करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम आगे चलते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 पे। 5 क्या है, अब यहाँ पे 5 में राइट कर देता हूँ कि देर इज सम टी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, देर इज सम टी, टी किधर है, टी इन दी, सॉरी टी किधर है, इन दी पॉट। अच्छा जी, इसके लिए यहाँ ऑप्शन कौन कौन से होंगे, इन टू, बी में है ऑन,
सी में है इन। अच्छा आपको ये लग रहा होगा, तो ये तो जी बड़ी ही इजी एग्जांपल है। इजी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हम चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक के साथ साथ ये मेरा आपसे वादा है कि हर एग्जांपल में आपको कोई चीज़ है न्यू भी मिलेगी। लेट सपोज यहाँ पे कोई कप है, ये कप है, अल्लाह करे बन जाए, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा बन नहीं गया। अब देखिए इसके अंदर कुछ चाय पड़ी, चाय जो है इसके अंदर मौजूद है। अब इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कंटेंड। ये चाय कहाँ पे है? ये इसके अंदर मौजूद है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका, जो चाय उसमें हो। जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी वो पानी में नहा रहा है, वो दरिया में नहा रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इनका वर्ड। जब कोई चीज़ कंटेंड हो जाती है उसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इनका। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं पानी, सॉरी चाय, अगर आप इसमें चाय डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये काम मोशन में होगा। अच्छा यहाँ पे भी याद करने के लिए क्या है कि ये चीज़ अंदर है, रेस्ट में होगी, मोशनलेस होगी। चाय के जो टी के पार्टिकल हैं, ये वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे ऊपर नीचे, ये रेस्ट में है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन टू का वर्ड यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ इसमें डाल रहे हैं, और बज़ाहिर है जब आप डाल रहे हैं तो मोशन तो होगी, और जब मोशन होगी तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ होगा? इन टू का। तो इन टू के लिए आप एग्जांपल बना सकते हैं कि आई पोर सम वाटर आर टी इन टू द ग्लास आर कप। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे इन टू के लिए भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं कि आई पोर सम वाटर आर टी इन टू द ग्लास आर कप आर जग। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है इससे वीडियो को, लेक्चर तो नहीं है ये, तो हमारी छोटी सी जो है ना वीडियो है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तमाम एग्जांपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ये जर्नी हमारा स्टार्ट रहेगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि अगर आप ज़ीरो पे हैं आज, तो एक ही हफ्ते के बाद यहाँ पे आप इसके हीरो बन चुके होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? ज़ीरो से हीरो बनने के लिए एग्जाम्पल्स के, सॉरी प्रेपोजिशन के यूज़ में, इसके लिए आपको प्रॉपर एक हफ्ता टाइम देना होगा। तकरीबन हम 100+ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे, और मुश्किल नहीं होगी, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। सिर्फ क्या करना है कि यह 5 एग्जाम्पल्स हैं, अब आपने क्या करना है? अब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं, क्लास में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप क्या करें? इन इन प्रपोजिशन का प्रॉपर यूज़ करें, और जब आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपकी रूटीन बन जाएगी, और जब आपकी रूटीन बन जाएगी तो फिर आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। हम करते ही एक्चुअली यही है कि हम कहते हैं जी हमने इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, बोलनी है, अब हम इधर से रजिस्टर भर देते हैं, ठीक है, रोल्स लिख लिख के, लेकिन जब तक आप उसको आगे अप्लाई नहीं करते, एक्चुअल में अप्लाई नहीं करते, तो उस वक्त तक आप वो काम कोई भी सीख है नहीं सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इनको आपने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।